Hello friends, this is Javed and you are watching our YouTube channel Last Night Study. So basically video ko continue karte hue aapke samne part 2 non cooperation movement. So humne non cooperation movement ke bare mein baat ki thi aur humne jana tha ki iske causes kya ho sakte hain, background kya thi aur kuch certain events bhi maine bataya, kuch aur reasons bhi maine diye, right? Aaj hum log baat karenge abhi iske sessions ke bare mein aur iske preparation ke bare mein, withdraw kaise hua aur iske beginning kaise hui. तो ये सब चीजें हम लोग जानेंगे दोस्तों. पहले आते हैं प्रिपरेशन वाले पैटर्न को लेकर. प्रिपरेशन ऑफ द मूवमेंट. मैं ज्यादातर चीजें लिखने की कोशिश नहीं करूंगा इसलिए कि बहुत सारी चीजें बताने के लिए. सो बेसिकली कैलकटा सेशन होता है, राइट? कैलकटा सेशन of the Congress in 1920. यानी 1920 में कांग्रेस सेशन होता है कैलकटा में, राइट? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो है कहीं ना कहीं इसके सदर होते हैं, इसके प्रिसाइड इनके जरिए किया जाता है ये कैलकटा सेशन, राइट? गांधी जी भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं स्वराज को लेकर, लेकिन स्वराज को लेकर ये इनका इंटेंशन पूरा क्लियर नहीं होता. वो डिफाइन नहीं करते स्वराज आखिर है क्या, राइट? लेकिन मॉडरेट्स के नज़दीक यही स्वराज जब वो यूज करते हैं तो वो इस तरीके से समझते हैं कि वो लोकल ऑटोनोमी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोकल ऑटोनोमी ब्रिटिश डोमिनेंसी के अंदर में रहकर होंगी, राइट? लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का मतलब था ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस. तो जाहिर है कि गांधी जी एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों ही सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन दोनों के नज़दीक ये लोकल स्वराज जो है अलग अलग माने को इख्तियार कर रहा था, राइट? एक कह रहा था कि नहीं, ये लोकल ऑटोनॉमी हम लोगों को ब्रिटिश डोमिनेंसी के अंदर में मिलेगी, और एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में समझ रहे थे, राइट? इसके बाद होता है दोस्तों नागपुर सेशन. राइट, नागपुर सेशन होता है दोस्तों ऑफ 1920. मामला क्या है दोस्तों, यहां पर इस नागपुर सेशन में सी आर दास यानी चित्रंजन दास जो कि कांग्रेस के एक लीडर होते हैं, ये इस मूवमेंट को कहीं ना कहीं अपोज करते हैं, इसके प्रोविजंस को अपोज करते हैं, एंड फाइनली अपनी एक पार्टी बनाने में भी ये बाद में कामयाब हो जाते हैं जिसको हम लोग स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं, राइट? वेल दैट अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी. तो इसका मोटिव क्या होता है बेसिकली दोस्तों, ये प्रिपरेशन ऑफ द मूवमेंट का मोटिव क्या होता है दोस्तों? सॉरी, मोटिव के बारे में बात करेंगे दोस्तों. तीन चीजें आती है, रेमेडी ऑफ पंजाब जस्टिस, रेमेडी ऑफ पंजाब जस्टिस यानी जलियांवाला बाग मैसेकर, राइट? दूसरी तरफ देखेंगे दोस्तों सॉल्यूशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, सॉल्यूशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट. तीसरा जो पॉइंट होगा दोस्तों, हम कह सकते हैं द अटेनमेंट ऑफ स्वराज, द अटेनमेंट ऑफ स्वराज, राइट? इन तीनों पैटर्न्स पर मोटिव्स को सेट कर सकते हैं हम लोग, राइट? आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेन इसके पार्ट पर, जो हम लोग कह सकते हैं बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट. आखिर ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हो रहा है, राइट? बिगनिंग में पहले पॉइंट को ऐड करेंगे दोस्तों प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट, राइट? तो हैड टू फेजेस, हैड टू फेजेस. क्या था? पहला था जिसको कह सकते हैं हम लोग पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव. ये होता है कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव. दूसरा होता है दोस्तों नेगेटिव, डिस्ट्रक्टिव होगा ये, डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव, राइट? अब ये नेगेटिव कहने का मतलब या कंस्ट्रक्टिव कहने का क्या मतलब है दोस्तों, राइट? तो ये बताता है कहीं ना कहीं
जो कंस्ट्रक्टिव जो चीजें थी, पहले मैं नेगेटिव चीजों के बारे में बात करूंगा, ये बताती है बायकॉट, राइट। तो बायकॉट कैसा बायकॉट, किस टाइप का बायकॉट, बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, बायकॉट ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेजिस्लेटिव सिस्टम को लेकर, टाइटल्स, स्कूल्स यानी टाइटल्स को वापस कर देना, स्कूल्स को बायकॉट करना और फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना, ये उन बायकॉट के बारे में बोल रहा है जो ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लीड कर रही थी, उसको बायकॉट करना, राइट। कंस्ट्रक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, सो सेंस आएगा फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्कूल्स, कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री, सेल्फ रिलायंस एंड यूज ऑफ चरखा एंड खादी, राइट। फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, स्कूल्स, कॉलेजेस, मैं एक साइन दे दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, सेल्फ रिलायंस वाला मामला है, यूज ऑफ चरखा के बारे में पूरा लिखूंगा, ठीक है, खादी वाला मामला है, ये इन चीजों में, इन पैटर्न्स में कहीं ना कहीं आ जाएगा, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला मामला यहाँ से चल रहा है, इसको स्ट्रांग करना हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, ठीक है। और साथ ही साथ अनटचेबिलिटी, अवॉइडेंस ऑफ अनटचेबिलिटी, हाँ अवॉइडेंस ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी को लेकर एक पैटर्न स्टार्ट किया गया था ताकि लोग भेदभाव ना कर पाए, अगर भेदभाव करेंगे तो ये ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल कर पाएंगी आराम से, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी उनको स्ट्रेंथ और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही थी ताकि इस यूनिटी में और ज़्यादा इख्ता यानी और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके, ताकि फिर दोबारा ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम कार्ड को नहीं खेल पाए। चरखा एंड खादी सेल्फ रिलायंस को बयान करती है दोस्तों, स्कूल एंड कॉलेजेस या दूसरी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज में आ सकती है जो कॉपरेशन मूवमेंट को कहीं ना कहीं लीड करने में सक्षम साबित होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट, काफी बड़ा होगा ये वीडियो नो डाउट, स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट, राइट। क्या भाई स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन रहा ये, राइट, यानी डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया जितने भी लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के, अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले लोग, वर्कर्स, प्रिजन, सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। डॉक्टर तारा चांद के हिसाब से, डॉक्टर तारा चांद, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, डॉक्टर तारा चांद, डॉक्टर तारा चांद के हिसाब से ये एक बेमिसाल एंथुसिएज्म, यानी अपने एंथुसिएज्म मतलब जोश कहा जा सकता है, जिसको बेमिसाल जोश था लोगों में, और इस तरीके से हजारों हजार स्टूडेंट्स, टीचर्स, एडवोकेट्स, बैरिस्टर्स, वर्कर्स, पीजेंट्स एंड इवन वुमेन पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, यानी मास पार्टिसिपेशन में आज तक इस तरीके से बेमिसाल अनप्रेसिडेंटेड पार्टिसिपेशन को नहीं देखा गया दोस्तों, राइट। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि सभी पैटर्न्स को तो एक्सेप्ट किया गया दोस्तों, लेकिन ये जो बायकॉट ऑफ एजुकेशन, बायकॉट ऑफ जॉब्स और बायकॉट ऑफ क्लोथ, इन तीनों पैटर्न्स को सपोर्ट नहीं किया गया, राइट। तो कुछ ऐसे भी लीडर्स थे जिन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया, और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड करने का दोस्तों, वो होता है वर्कर्स, पीजेंट्स एंड वुमेन्स, इनका अलग अलग रोल है, वर्कर्स, पीजेंट्स एंड वुमेन, ये तीन अलग अलग जो कम्युनिटीज़ है दोस्तों, इनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड करने में, राइट। क्योंकि गांधी जी के कॉल में सभी अलग अलग लोग उभर कर आते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से एक मास मूवमेंट बनता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे दोस्तों गवर्नमेंटल रिप्रेशन एज रिस्पॉन्स ऑफ दिस मूवमेंट, यानी गवर्नमेंट बहुत सारी रिप्रेसिव पॉलिसीज को एज अ रिस्पॉन्स लगा देती है, लागू कर देती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है सेडिशन केस को लेकर, है ना। तो अल्टीमेटली होता क्या है, एक इंसिडेंट होता है, वो इंसिडेंट बताकर मैं ये वीडियो को खत्म करता हूं, राइट। विथड्रॉवल ऑफ द मूवमेंट, विथ ड्रॉवल ऑफ द मूवमेंट, यानी आखिरकार गांधी जी को
एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से गांधी जी को ये मूवमेंट वापस लेना पड़ा और वाकई वो खुद में गिल्ट फील करने लगे, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेने लगे और लास्टली उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। दोस्तों क्या मामला होता है, द चौरी चौरा इंसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं, द चौरी चौरा इंसिडेंट, फटाफट जानते हैं दोस्तों चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा एक जगह का नाम है गोरखपुर, गोरखपुर जो कि यूपी में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, राइट। फिफ्थ फेब कब होता है, फिफ्थ फेब 1922। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है, गांधी जी के इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस वो पकड़कर चलते हैं, लेकिन नॉन वायलेंस आखिरकार वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, चौरी चौरा एक जगह का नाम है, वहां पर एक इंसिडेंट होता है 5 फरवरी 1922 को, जहां पर कुछ लोग मिलकर वहां पर जो पुलिस स्टेशन होती है वहां पर आग लगा दिया जाता है, जिसमें कुछ 22 पुलिस लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ 22 कैजुअल्टीज होती है, पुलिस वालों को जला दिया जाता है, उस इंसिडेंट में लोग मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी का जो बेसिक उसूल था वो था नॉन वायलेंस, यानी इस मूवमेंट का मेन एसेंस ही फेल हो जाता है दोस्तों। एंड अल्टीमेटली गांधी जी कॉल ऑफ नॉन वायलेंस टर्न इन टू वायलेंस, एंड गांधी जी वॉज दस अरेस्टेड ऑन मार्च 10, 1922। गांधी जी वॉज अरेस्टेड ऑन मार्च 10, 1922, राइट। यानी 10 मार्च 1922 को आखिरकार उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो खुद में गिल्ट फील करने लगते हैं कहीं ना कहीं कि मेरे जो बेसिक उसूल थे लोग उसको जो है एक दूसरे वे में लेकर चले गए। तो अल्टीमेटली यहां से इस मूवमेंट का खात्मा हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से जो खिलाफत मूवमेंट भी साथ में मर्ज करके चल रहा होता है उसका भी खात्मा हो जाता है दोस्तों। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने इस मूवमेंट के बारे में अफसोस जताया है, लाइफ टर्म अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, और बहुत सारे वर्ड्स लोगों ने यूज किया है वगैरह वगैरह इस तरीके से। और इस वीडियो को जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर। टिल देन इस वीडियो को पूरा आपने देखा तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।